बिग बॉस 18 को लेकर फैंस का इंतजार खत्म हुआ। शो में 18 के 18 कंटेस्टेंट ने धमाकेदार एंट्री ली, जिनमें आखिरी कंटेस्टेंट पांड्या स्टोर की एक्ट्रेस एलिश कौशिक हैं, जिनका कहना है कि इस वक्त उनका पूरा ध्यान ट्रॉफी जीतने पर है। मगर इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे गहरा दर्द छिपा था। दरअसल इस शो के मेकर्स ने एक वीडियो दिखाया जिसमें एलिश ने अपना दर्द बयां किया। एलिश की स्टोरी सुनकर सलमान की आंखें नम हो जाती हैं और वो एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप सच में हिम्मत वाली हैं। एलिश कौशिक अपने पापा के बेहद करीबी थीं, लेकिन एक दिन उन्होंने खुदकुशी कर ली। एलिश का कहना है कि मेरे पिता मेरी शक्ति थे, पर सब कुछ एक दिन खत्म हो गया। अभी एलिश पिता के गम से निकली ही नहीं थी कि उनकी माँ भी दुनिया को अलविदा कह गई। हालांकि माँ एलिश के साथ नहीं रहती थी क्योंकि माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। एलिश को छोड़कर माँ पति के साथ रहने लगी थी, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि शादी के बाद उनकी माँ उनके आसपास थी। हालांकि जरूरत के वक्त माँ उनके साथ खड़ी रहती थी, लेकिन पापा की मौत के कुछ सालों बाद माँ के निधन ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। एलिश का कहना है कि उनके माता पिता की मौत का कारण पारिवारिक समस्याएं थीं। रोते हुए एलिश ने सलमान से कहा कि जब वो अपनी शूटिंग से घर लौटती हैं, तो अकेलापन उन्हें घेर लेता है क्योंकि कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ये सब देख एलिश टूट जाती थी कि वो दुनिया में अकेली पड़ चुकी हैं। एलिश की बात सुनकर सलमान कहते हैं कि आप अपनी कड़ी मेहनत से शो जीत सकती हैं। सलमान एलिश को मजबूत बने रहने की सलाह देते हैं और उसे प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। एलिश का कहना है कि बिग बॉस के घर में जा तो अकेली रही हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे परिवार मिले। मैं जब शो से बाहर निकलूं तो एक परिवार के साथ निकलूं। बता दें कि एलिश के पिता ने साल 2016 में आत्महत्या कर ली थी, जबकि माँ का पिछले ही साल हार्ट अटैक से निधन हो गया। 27 साल की एलिश दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्हें एक्टिंग के जरिए घर घर में पहचान बनाई। एलिश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। एक्ट्रेस बनना और मॉडलिंग करना एलिश का बचपन का सपना था। स्टडी पूरी करने के बाद एलिश मुंबई आ गईं। उन्होंने 2015 में टीवी सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण से एक्टिंग डेब्यू किया। शो में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कहां हम कहां तुम में काम किया, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल किया। एलिश दीपिका कक्कड़ के साथ ससुराल सिमर का में भी नजर आई, जहां उनकी दीपिका कक्कड़ संग बॉन्डिंग काफी अच्छी रही। फिर एलिश पांड्या स्टोर में नजर आई, जहां से एलिश को पॉपुलैरिटी मिली। इसी शो के सेट पर उनकी नजदीकियां उनके अपोजिट नजर आए कंवर ढिल्लो से संग बढ़ी। कहा जाता है कि इस शो में दोनों को रियल लाइफ में प्यार हुआ। फिलहाल दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। बता दें कि एलिश बिग बॉस 18 की टॉप फाइनलिस्ट हैं, जिसे सुनकर तो घर में मौजूद बाकी कंटेस्टेंट भी हैरान रह गए। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।